प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। खाली ही आया खाली ही जाना, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए दूसरा शमूएल की किताब 24वें अध्याय की 25वीं कलम, सेकंड शमूएल चैप्टर 24:25। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और यहोवा ने देश के निमित्त विनंती सुन ली। तब वह महामारी इसराइल पर से दूर हो गए। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और इस अध्याय की 24वीं अध्याय में हम दे सकते हैं दाऊद द्वारा जनगणना करना और उसका दंड भोगना। इस अध्याय का ऊपर हम इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, दाऊद का जीवन बहुत अच्छे तरह से चल रहे थे, लोग भी इतने बढ़ गया है, और संपत्ति में, आर्थिक बातों में, सभी बातों में बहुत उन्नति का साथ में आगे बढ़ रहा है। वो समय पर शैतान दाऊद के अंदर और कुछ बातें की, इस बात का अनुसार इसराइल लोगों को गिनती करने के लिए उसका मन में लाया है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पहले इतिहास की किताब 21वें अध्याय की 21वीं कलम में, शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उसकाया कि इसराइलियों की प्रजा की गिनती ले। इस प्रकार दाऊद योआब को बुलाकर कहा है, योआब उसका सेनाधिपति है, तुम जाकर इसराइल लोग में प्रजा कितना है गिनती करकर मेरे पास में आओ। इसी प्रकार हम दे सकते हैं, लेकिन योआब तो कहा है ये बात अच्छा नहीं है, परमेश्वर का लोग बढ़े यो कम हो जाए ये परमेश्वर का काम है, इसके लिए नहीं जाना है। लेकिन दाऊद को शैतान ने बूती दिया। आजकल बहुत विश्वासी भाई लोगों को, सेवक लोगों को शैतान इसी प्रकार बातें करते हैं, मंडली में गिनो कितने लोग हैं, ये परमेश्वर का काम से मंडली में लोग बढ़ते हैं कम भी होते हैं, लेकिन वो गिनने के लिए कोई मनुष्य का अधिकार नहीं है। लेकिन दाऊद इस प्रकार कहा, लेकिन गाद नाम में एक नबी है, वो जाकर कहते हैं अभी तुम्हारे सामने तीन प्रकार की विपत्तियां आएंगी, उसमें तुम कौन सा विपत्ति ले सकते हैं, या तीसरा विपत्ति हम पढ़ते हैं, या तेरे देश में तीन दिन तक मरी फैली रहे। तो अंतिम समय में दाऊद ने कहता है हम परमेश्वर का हाथ में गिरेंगे। इसी प्रकार वहां 70,000 लोग मर गया है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, तो हम इस अंतिम समय में दाऊद हरवने का कलिहान में जाकर और वहां एक वेदी बनवाकर और हम होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, परमेश्वर ने उस बातों को देकर
और मन फिराया और हम दे सकते हैं फिर दाऊद को उसमें से बचा लिया, इसराइल लोगों को और बचा लिया। इसी प्रकार हम दे सकते हैं पहले राजाओं का किताब 18 अध्याय की 32वीं कलम में, और उन पत्रों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। ये तो एलियाव का समय में विरोधी लोग उसका सामने आए, वो समय पर एलियाव जो काम किया है और एक वेदी बनाए, उसको चारों ओर बड़ा खड्डा बनाया, लेकिन पानी भी डाल दिया, लेकिन परमेश्वर समय पर अग्नि को उतार दिया उस वेदी को। हम देखते हैं वेदी में जो पशु है उसको भस्म कर दिया। हम इसमें एक बात हम दे सकते हैं, इस प्रभु यीशु मसीह का एक बलिदान की एक चित्र यह हम दे सकते हैं। हम वचन संहिता 103 का 11 कलम में, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरावियों के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, और प्रभु में विश्वास करता है वो लोगों का साथ है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरावियों के ऊपर प्रबल है। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम इब्रानियों का पत्रिका 10वीं अध्याय की 10वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किया है। यहां हम देख सकते हैं पुराना नियम में बहुत कुछ बलियां, होम बलि, मेल बलि, इसी प्रकार का बहुत चढ़ाए हैं, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान एक ही बलिदान का द्वारा और परमेश्वर प्रसन्न हो गया है। दूसरा बलि का कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का बलि का द्वारा हुआ है। हम इब्रानियों का पत्रिका 10वीं अध्याय की कलम 6 में लिखा है, होम बलियों और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं हुआ, और इसी प्रकार का बलियों में प्रसन्न नहीं हुआ है, वो जानवर का बलि है, मनुष्य का मन से आते हुए बलि है, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजकर बलिदान हो गया है। उसमें हम इस प्रकार देखते हैं, और एफेसोम का पत्रिका 2 अध्याय की 14 कलम में, क्योंकि वही हमारा मेल है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। रोमियों का पत्रिका 8 अध्याय की 1 कलम में, अतः अब से मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके कोई प्रकार की दंड का आज्ञा नहीं है, नरक की दंड तो दूर हो गया। यीशु मसीह ने उस भयंकर पाप का सजा अपने शरीर में ले लिया है, इसलिए परमेश्वर को नाम की महिमा हो। यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी में रहा, 3.5 साल तक लोगों के अंदर प्रचार किया, काम किया, अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए मृत्यु सहन किया, उसका सिर को ऊपर काटों का मुकुट रखे हुए है, दोनों पैरों में हाथों में किला मार दिया, उसका शरीर पूरे घोड़े से मार खाकर एकदम एक रक्ताभिषिक्त बन गया, हमारे पाप का सजा उसने ले लिया और सूली पर मृत्यु को सहन किया, लेकिन उसको गाड़ा जाने के बाद 3रे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु स्वर्ग में है, हम धन्यवाद करेंगे। हम इसी प्रकार हम देखते हैं दाऊद ने उसी प्रकार का बलिदान करने से वहां जो महामारी है बंद हो गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में बड़े एक जो पाप का दंड आने वाला है, हमारे जीवन में नरक में जाने वाला है,
हमसे प्रभु बचाकर आज स्वर्ग का वारिस बनाया। उस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।